मेट्रो सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अली मीनामदार और आज हम पी साउथ वार्ड के गोरेगांव पूर्व में खड़े हैं, जो गोरेगांव लिंक रोड है। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं आज की यहाँ पर जो एक फुटपाथ है बीएमसी का, जो गैर जिम्मेदार काम है, हम उस काम को आपके सामने लाना चाहते हैं। और यहाँ पे जो फुटपाथ है, यहाँ पे जो रहवासी है, छोटे स्कूल के बच्चे भी आना जाना करते हैं यहाँ पर, और 24 घंटे ये रास्ता चालू रहता है। लेकिन तकरीबन एक साल से ये रास्ता खोदा हुआ है, ये रास्ते का काम नहीं हुआ है, ये फुटपाथ ऐसा की ऐसा पड़ा है। और यहाँ पे जो दुकानदार और जो मकानदार है, हम उनसे भी मौजूद में बात करना चाहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं उनसे। सर नाम बताइए सबसे पहले। बलदेव शर्मा। शर्मा जी, क्या प्रॉब्लम है फुटपाथ के बारे में बताइए। ये एक साल से टाइल्स निकाला है और बोला नया लगाएंगे, अभी तक कुछ किया नहीं। आते जाते बच्चों को तकलीफ, हमको तकलीफ, कितना तकलीफ हो रहा है। अभी देखो, ये आप देखो कितना तस्वीरें दिखाई है यहाँ पे जनता को, जरा तस्वीरें दिखाई है यहाँ पे। अभी इसका कौन जिम्मेदार है बताओ। तो क्या बोला गया था आपको जब बनाने के, उखाड़ने के लिए? निकाल के नया लगाएंगे और अभी तक नया तो दूर आने बंद हो गए उनके। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे और बहुत सारे दुकान वाले मौजूद है यहाँ पे, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर सबसे नाम बताइए आपका। ऋषभ जैन नाम है मेरा। ये पिछले एक साल से खोदा हुआ है और इसको अभी तक बनाने के उन लोगों को समझ में नहीं आया। रोड पूरा आरसीसी कर दिया, लेकिन ये वो लोग पूरा कच्चा फुटपाथ अभी तक एक साल से खोद के रखा हुआ है। आज तक इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। बीएमसी अंधी है कि मैनेजमेंट खराब है कि किसको हम लोग देख दे, कॉन्ट्रेक्टर खोद के गया है कि बीएमसी ने खुदवाया है, अभी ये कुछ पता नहीं चल रहा अभी। लेकिन अब ये इसको करेगा कौन है? बच्चे लोग स्कूल को आते जाते हैं, रहीवासी जाते हैं, लेडीज आती है, जेंट्स आती है, बच्चे लोग आते, बूढ़े आते हैं। अब जिनको नहीं चलने होता, फुटपाथ की हाइट देख लो, यहाँ से रोड से हाइट देखो फुटपाथ की, बूढ़े लोग चल नहीं पाते, हम लोग को हाथ देके चढ़ाना पड़ता है उन लोगों को। ये सब तकलीफें अगर छोटी मोटी नहीं समझेगी बीएमसी, तो प्रशासन को हम लोग को टैक्स भर के मतलब क्या? बीएमसी प्रशासन को अगर इस बारे में नहीं आ रहा है जागने को, तो हम लोग जागरूक करें कि हम लोग को बीएमसी हमारे पास आके हम लोग को जागरूक करने की क्या। हम लोग को बोलती है आप ड्रम के ऊपर पानी भर दो, ढक्कन रखो, इसमें डेंगू मलेरिया होएगा, तो ये सब पानी जो तुम्हारे उससे कौन सा डेंगू मलेरिया नहीं होगा? ये बीएमसी करेगी तो हम लोग को डेंगू नहीं होगा? उस तक बीएमसी इसका जवाब देगा, इसके लिए अग्रसर होकर काम करे उसके लिए। धन्यवाद। देखिए अभी जैसा जनता का जो सवाल है कि यहाँ पर जो काम हुआ है, जो खोद के रखा हुआ है, उसको भराई कब होगी या फिर उसका काम कब शुरू होगा? तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि यहाँ पे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते जाते हैं, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, बूढ़े लोग भी चलते जाते हैं, लेकिन बीएमसी सो रही है। बीएमसी का पी साउथ वार्ड जो सो रहा है, अभी देखते हैं इस खबर के बाद बीएमसी को कितनी जाग आती है और बीएमसी का इस फुटपाथ को काम करना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही अपडेट्स के साथ बने रहिए मेट्रो सिटी समाचार के साथ। अली मीनामदार, मुंबई।